परिभाषा सूत्रे, दो परिभाषा सूत्रों के एक साथ विचार करेंगे। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य, दोनों सूत्र एक साथ दे रहे हैं। ये विचारणा एक करना है, इति शब्द आया है ना दोनों सूत्रों में, तस्मिन् इति तस्माद् इति, इति शब्द के आधार पर यह शंका होता है। शास्त्रों में हमेशा शब्द को कहा स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, शास्त्र में शब्द स्वरूप को ही लेकर के कार्य होना है। जैसे अग्निर्ढक है, अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होता है, अर्थ से ढक प्रत्यय नहीं होता है। लेकिन दूसरा ये भी आपने कहा, लेकिन नवेति विभाषा नवा इति व इति के आने पर कहने अर्थ प्रदान लिया जाएगा। लोक में क्या होता है, चाहे इति आता है स्वरूप प्रदान होता है। गौर त्ययम आह, अमुक ने क्या कहा, गौ ऐसे कहा, वैति शब्द का इति से वजह क्या हुआ, हम गाय को नहीं लेंगे, अर्थ को नहीं लेंगे, उसने गौ शब्द कहा। इति से क्या होगा, शब्द स्वरूप लिया गया, अर्थ को नहीं लिया गया। लोक में इति शब्द यदि आता है तो स्वरूप पर लिया जाता है, लेकिन शास्त्र में इति शब्द आता है तो अर्थ पर का आपने लिया नवेति भाषा में। इसीलिए यहाँ शंका होता है इति शब्द की वजह से कि लोकानुसार है ना, यहाँ तस्मिन शब्द जिस सूत्र में आया है वाह्य परिभाषा जाएगा या अर्थ मात्र लूंगा। तस्मिन का अर्थ क्या है, सप्तमी, जिन जिन सूत्रों में सप्तमी अंत है उन उन सूत्र में परिभाषा चला जाएगा। क्या अर्थ लेना चाहिए, ये शंका है, अर्थ परक लेना है या स्वरूप परक लेना है, क्योंकि स्वरूप परक में दो प्रमाण बनता है शास्त्र में, एक तो समरूपम शब्द संज्ञा और लोक व्यवहार गौरित इत्यादि, उसके आधार पर स्वरूप लेना चाहिए। इन स्वरूप लेने से ऐसे भी सूत्र है यहाँ जिसमें तस्मिन शब्द आया है, ऐसे भी विधि सूत्र है जिसमें तस्मिन शब्द है। तस्मिन यानी युष्माकम अस्माकम, युष्माकम युष्माक अस्माक सूत्र आ रहा है, तस्मात के भी सूत्र देंगे, सूत्र विधि सूत्र में तस्मात शब्द आया है तो वहीं पर एक परिभाषा के उपस्थित भी हो सकता था। अतः जहाँ पंचम अंत है जहाँ सप्तम अंत है उन सकल विधि सूत्रों में जाएगा यदि अर्थ परक लेंगे तो, और अर्थ परक लेंगे तो क्या होगा, तस्मिन यह प्रथमा का एक वचन मानना पड़ेगा, अनुकरण भी नहीं मान सकते, प्रथमा का एक वचन मानना पड़ेगा और तस्मादि पंच प्रथमा के वचन मानना पड़ेगा। तो क्या अर्थ लेना आप चाहेंगे, इसीलिए पूछता पूर्व पक्षी किम उदाहरणम प्रदीपः, किम उदाहरणम, ये प्रश्न उठाने का क्या तात्पर्य, इति कर्णस्य गौरित्यम इत्यादो स्वरूप पदार्थकत्वेन व्यवस्थापकत्व दर्शनात् प्रश्नः। प्रश्न इसलिए है इति कर्ण को देखते हुए कि गौरित्यम ऐसे जो वाक्य होते हैं लोक में वह स्वरूप पदार्थक होता है, व्यवस्था दी गई है, और आपने शास्त्र में इति आने पर नवेति भाषा में अर्थ पर हमने व्यवस्था दिया, इसे शंका हुआ यहाँ स्वरूप पर लेना है या अर्थ पर लेना है, इसलिए पूछ रहा हूँ इसका कौन सा उदाहरण लोगे आप। समाधान भाष्य, यह तावत तस्वीर दृष्टि पुरुषी इकोची दध्यत्र मध्यतरी दृष्टान्त, उदाहरण है यह तस्वीर तृषि द्वंत रूपसर्गेभ्योपयीत दीपम अंतरीपम समीपम इत्यादि दृष्टान्त बनेगा। इन अर्थ पर ले लिया, अर्थ पर कौन से इको यणची, यणची सूत्र में क्या है अची सप्तमी श्रुत है, और सप्तमी श्रवण को लेकर के वहाँ परिभाषा उपस्थित हो गया, अव्यवहित पूर्व के स्थान में यण करने का विधान कर दिया। सर तस्वीर तरह से कहा गया द्वंत रूपसर्गेभ्यो, उपसर्गेभ्य है ना पंचमी का बहुवचन है, उसको देखते हुए अपक आकार ईद जो करना है दीपम अंतरीपम समीपम इत्यादि में ईद जो किया गया है वह पंचमी पक्ष को लेकर गया। तस्माद् इत्युत्तरस्य द्वि से उत्तर में, अंतर के उत्तर में, उपसर्ग के उत्तर में, तस्माद् इति उत्तर से कह दिया, अव्यवहित उत्तर में आया वह को ही करेगा। अव्यवहित उत्तर में यहाँ पर देख रहे हैं आप द्वि अप और अंतर अप समधन अप, इनके उत्तर में आए चीज़ों को आपने इत्व कर दिया है, ये दृष्टांत बनता है। प्रदीपा यदि तस्मिन् अनिच्छति तस्माच्छसोरिति च अत्रैव एते परिभाषे उपस्थायस्येताम्, आगे ना दोनों सूत्र दे दिए, देखिए तस्मिन् अनि युष्माकस्माकौ एक सूत्र है और तस्माच्छसो न पुंसी सूत्र है, वहाँ तस्मात आया हुआ है और इस सूत्र में तस्मिन् आया हुआ है। यदि उन्हीं सूत्रों में परिभाषा सूत्र उपस्थापित करोगे तदा तत्रैव पूर्वग्रहणम उत्तरग्रहणम वा अकरिष्यताम, फिर तो वहीं पर पूर्वस्य अव्यवहितस्य उत्तरस्य अव्यवहितस्य अंश भी जुड़ जाएगा, उन विधि सूत्रों में जुड़ेगा। अत्र व्यवच्छेद्यम अस्ति, और वहाँ पर व्यवच्छेद्य है
ये मत सोचिए वहाँ पर सार्थक नहीं होगा व्यर्थ परिभाषा को लागू करना, नहीं वहाँ भी व्यवच्छेद्य है। जैसे दृष्टांत वाक्य देखिए, योष्मा की न अस्मभ्यम देही आस्मा की न विषमभ्यम दीयतामिति है संबोधन है, हे योष्मा की न खय प्रत्यर्थ में आपने युष्मा का अस्मा का आदेश कर दिया, योष्मा की न बन गया और उसका संबोधन प्रयोग कर दे, हे योष्मा की न अस्मभ्यम देही। यहाँ पर जो है परम अस्मत शब्द आ गया ना, यहाँ पर भी आदेश होना चाहिए कि तस्मिन वो पूर्वस्य बोध्यम, तो कहते इसी प्रकार से अगले में आस्मा की न युष्मभ्यम दियतामिति खय परयोर, खयन से जो पर में आया युष्मद अस्मदयोर आदेशो न भवतः, ये लाभ है, नहीं तो उत्तर वाले को भी आदेश हो जाता, आगे जो युष्मद अस्मद शब्द आया है उनमें भी आदेश हो रहा था, ये परिभाषा क्या करेगा रोक देगा, जहाँ तस्मिन कर शब्द आया है और पूर्वस्यैव न परस्य, इसे यौष्मा की न और यहाँ पर में जो आपका अस्मभ्यम इन दोनों में से पूर्व को ही आदेश हुआ, खें के होते हुए पूर्व को ही आदेश हुआ युष्मा का, पर को आदेश नहीं हुआ, नहीं तो खें है बीच में। वाक्य संस्कार पक्ष में क्या होता है, वाक्य संस्कार पक्ष में युष्मत खें अस्मत भ्यस प्रयोग करोगे आप, युष्मत खें अस्मत भ्यस, अब खई है और सूत्र था उसमें तस्मिन अनिच सूत्र आया हुआ है, उस सूत्र में तस्मिन शब्द थी उसके आधार पर ही वहाँ पर परिभाषा सूत्र नहीं लाऊंगा, तस्मिन दृष्टि पूर्वस्य पूर्व से नहीं कहूँगा, तो खई से पर में जो आया है ना उसको आदेश हो जाएगा अस्माक, वहाँ पर अस्मभ्यम की जरूरत बनेगा आस्माक बन जाएगा और अगर युष्मति रह जाएगा, अब उसमें परिभाषा चला गया तो क्या खाएं से पूर्व कोई आदेश होगा युष्मा का अस्मा का पर को आदेश नहीं होगा, तो वाक्य संस्कार पक्ष में खाएं का पूर्व में रहने वाला युष्म शब्द को ही युष्मा का आदेश हुआ और यौष्मा की न ये रूप बन गया, पर में आदेश नहीं हुआ। ठीक इसी पर अगले दृष्टांत में भी समझ लेना चाहिए न भवता, इसे और वृक्षान मिलो तस्मात पंचमी का दृष्टांत दे रहे, देखिए वृक्षान इत्यत्र च वृक्षान में क्या हुआ इत्यत्र च पूर्व स्वर्ण दीर्घ भूताक्ष पूर्वस्य शकार से नत्वम न भवती, वृक्ष शब्द में क्या हुआ है वृक्ष शब्द है आपका शस आया पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो गया शस का वृक्षास हो गया, वृक्षास में अब क्या होगा तस्मात छसो न पुंसी, ये सूत्र में तस्मात शब्द आया हुआ है वहीं पर ही परिभाषा लगेगा कहोगे आप, वहीं पर ही परिभाषा लगेगा, यदि ये परिभाषा में लग गया तब क्या होगा शस के पर में अव्यवित पर में होगा, शस का वे कौन अ और न पर में कौन स, स कोई न हुआ, यदि ये परिभाषा नहीं लगता तो हम क्या करते पूर्व को भी कर सकते थे, पूर्व कौन है का श का संयोग है ना वहाँ अस है प्रसवण हो गया है पुरसवण दीर्घ हो गया एकादशी हुआ है तो वृक्ष आ और स है, स को न न करके काश जो संयोग का शकार है उसको नकार कर देते, वह न होवे इसे परिभाषा वहाँ भी सार्थक हो रहा है, इसे तस्मात चसो न पुंसी में परिभाषा क्या करेगा स के स कोई नकार करेगा मूर्धन्य षकार को नकार नहीं करेगा, इसे दोनों परिभाषाएं इन दोनों सूत्रों में चरितार्थ भी हो रहे हैं व्यावर्तन कर रहे हैं व्यवच्छेद कर रहे हैं नियम कर रहे हैं, अथ शसैति षष्ठीति व्याख्यानात् षकार से न भवति इत्युच्यते, इसे कुछ ने क्या कहा वह शस पंचमी नहीं लिया, तस्मात छसो न पुंसी में तस्मात ने पूर्ण सौण दीर्घा तस्मात का क्या है पूर्ण दीर्घा शसस्ताने, और जब शस के स्थान में करोगे अलोन्त्यस्य सकार को होगा, ऐसे भी कुछ लोगों ने इसलिए व्याख्यान किया है पूर्व मूर्धन्य षकार को न हो जाए इस दृष्टिकोण से षकार से न भवति इत्युच्यते एवमपि उच्चरत आन उपलभते इत्यादो पूर्ण दीर्घा पूर्वस्य शस नत्तम व्यविच्छेद्यमेव, तब दूसरे जगह दृष्टांत दे उच्चरतस् आनुपलभ्यते अकार का रूप है आन अकार का रूप है अह औ आह अम औ आन बनेगा, अकारो वै विष्णु अकारो वै यज्ञ यथाध्याय शब्दावली वेदों में है अ मने विष्णु होता है अकार ते विष्णु, इसे उसका रूप चलाओ अह औ आह अम औ आन बनेगा, अब याद है कि आन में क्या हुआ अ था शस था अ है ना केवल प्रकृति शस का स है पुरुषोण दीर्घ एकादेश हो गया आ शस का स रह गया
जब पूर्व में शब्द क्या है उच्चरतस है, उच्चरतस तस्ल प्रत्यंत पुरुष पुरुष शब्द, तस के सकार है इधर अकार आ हो गया, उधर एक सकार है शस्त सकार, वहां पर क्या होगा दोनों सकार किस सकार को करोगे नकार, दोनों ही शस के स्थान में करोगे तो पुरुष निर्भर हो रखे हैं तो तब भी दोष आएगा, तो पूर्व सकार को न हो उत्तर सकार को ही हो उसके लिए तस्मत से परिभाषा सार्थक हो जाता है। इस तरह से स्थान दृष्टि श्री दृष्टांत लिया उच्चरत आन उपलब्धते इत्यादि पुरुष दीर्घात पूर्व से शसो नत्व विच्छेद्यम एव पूर्व विद्यमान शस के सकार को नत्व व्यविच्छेद्य होता ही है। ये देता है नीचे उद्योगकार समुद्यंतम इति आन इति अशब्द से शशि रूपम, आन जो है अशब्द का शस के माने द्वितीय का बहुवचन का रूप है। ये उद्योग का लास्ट में नेक्स्ट पेज में अगला पृष्ठ उद्योग के लास्ट लाइन में लिखा है आन इति अशब्द शशि रूपम। तब समाधान बाधक भाष्य, ये समाधान दे दिया सिद्धांती ने, तब समाधान का बाधक कहता है अन्यथा जाति के न शब्देन निर्देश क्रियते, अन्यथा जाति के उदाहरियते, अरे तो अन्य जातीय सूत्र में क्या तस्मिन तस्मात अन्य जाति वहाँ पर वर्णन है, अन्य प्रकार क्या है अन्य न प्रकारेण प्रकारोसिति वा सर्वनामत्वेन, तच्छब्द क्या है सर्वनामत्व अस्मिन और स्मात सप्तमी और पंचमी है, स्मिन और स्मात के वैसे मालूम हो रहा है ना उप सप्तमी और पंचमी करके, स्मिन स्मात छोड़ो तो क्या है सर्वनामत्वेन है सामान्य। अब ऐसे तस्मिन दृष्टि पूर्वस्य तस्मात तरह से हमें पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ भाई सर्वनाम संज्ञा सामान्य प्रयोग हुआ है, स्वर्णामत्वेन जातीयेन कहा हुआ को आपने सप्तमित्व और पंचमित्व कैसे ले लिया, अन्य जाति कैसे ले लिया, देखो एक अन्यथा जाति के न शब्देन निर्देश क्रियते पाणिनि ना, और अन्यथा जाति को उदार हियते पाणिनि ने तो अन्य जातीय शब्दों का निर्देश किया सूत्र में और आपने उदाहरण दिया अन्य जातीय दे दिया भिन्न जाति दे, मैंने आपने सप्तमी और पंचमी अर्थ को लेकर के अर्थ पर कहा आपने, उन्होंने शब्द पर पूर्व पक्ष शब्द पर ले रहे ना, पूर्व पक्ष हमेशा शब्द स्वरूप पर लेना चाहेगा और सिद्धांत अर्थ पर लेना चाहता है, और जब उस शब्द के दृष्टिकोण से क्या है यहाँ सर्वनाम संज्ञा है, सर्वनाम का दृष्टांत देना चाहिए था आपने, अब ले कह रहे चले गए आप दूसरे जगह, ये कहता है पूर्व पक्ष दद्यत्र वगैरह दृष्टांत दिया कहाँ हुआ सर्वनाम है अन्यथा जाति की नहीं थी इति कारणात स्वरूप ग्रहण ही नहीं व भाव्य लोक के आधार पर देखिए पूर्व पक्ष कहता है इति का ग्रहण करने से लोक के आधार पर स्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए था, थाला प्रकार मात्र में विद्यते थाला मने थाल प्रत्यय भाष्यकार का वचन अन्यथा, अब यहाँ पर देखिए भाष्यकार जान करके स्वरूप परक इति को खंडन करने के लिए अन्य शब्द से थाल प्रत्यय भी किया और जातीय प्रत्यय भी कर दिया है ना, अन्यथा जाति के न अन्यथा जातीय कह तो प्रत्यय उप गया और दोनों एक ही अर्थ में हो रहा है, थाल प्रत्यय भी प्रकार अर्थ में होता है जातीय प्रत्यय भी प्रकार अर्थ में ही हुआ है, क्यों ऐसे किया भाष्यकार ने यही बात बता रहा है थाला प्रकार मात्र में दिए थी तो अभिधान आय जातीय प्रत्यय सियात, जैसे करना पड़ेगा थाल प्रकार का वाचक है और जातीय क्या किया उत्तरार्थ प्रकार वाला धर्मी का बोधक है, प्रकार माने धर्म, धर्म अर्थ में थाल प्रत्यय आया और धर्मी अर्थ में जातीय प्रत्यय लेना पड़ेगा, ऐसे क्यों किया वगैरह लौकिक प्रयोग है लाघव अनादर प्रदर्शन आया, क्यों ऐसे किया भाष्यकार ने कहते लौकिक प्रयोगों में गौरव लाघव का आदर नहीं किया जाता है, वहां चिंतन नहीं है गौरव लाघव का लौकिक व्यवहार में, लोक व्यवहार क्या होता है हमेशा अर्थ और बोध कराना मुख्य हमारा पक्ष होता है, साधुत्व पक्ष भी नहीं रहता है वहां, इसे संहिता भी नहीं मानते संधि भी नहीं करते हैं वाक्य में ऐसा प्रयोग हो जाता है दोष नहीं है, इसे यहां कहा गया संहिता संज्ञा के प्रकरण में आएगा उन्होंने क्या कहा कहा नित्य है संहिता ही कबदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो साविवक्षाम अपेक्षत है, वाक्य में तो वक्ता की इच्छा के अधीन है संहिता, इसे संधि करो न करो मर्जी आपकी होती है, वहाँ गौरव लाघव का आदर नहीं होता, इसी बात को दर्शाने के लिए प्रत्यय द्वय प्रयोग
दो प्रत्येक प्रयोग के भाषाकार ने केवल नापि जातियरा प्रकारवान गम्यते एव, केवल जातीय शब्द प्रत्येक का प्रयोग कर देते तो भी धर्मी का बोध हो ही जाता, दो प्रत्येक प्रयोग करने व्यर्थ होकर के बाद ज्ञापन किया तब एक देशी प्रत्याक्षेप करेगा किंतरे उदाहरण, फिर सूत्र उदाहरण कौन होगा? यह तावत तस्मिन्निति निरदिष्टे पूर्वस्य का उदाहरण कौन होगा? तस्मिन् अनिच युष्माकस्माक सूत्र होगा, और तस्मात् तृतीय किसका कौन उदाहरण होगा? तस्मात् नपुंसीति ये उदाहरण होगा। तो सिद्धांत भाष्य इदं चाप्य उदाहरण, ये भी उदाहरण हो सकते हैं। कौन? इको एनची द्वंद्वर्पसर्पिक प्रीति जो हमने दिया वो भी सही है, आप जो कह रहे हो वो भी सही है, दोनों ही सही है बोल दिया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? पूर्व पक्षी पूछेगा इसलिए खत्म, दोनों कैसे कैसे सही हो गए भाई, एक तो गलत होना चाहिए ना। तो कहते नहीं है, क्यों? सर्वनाम नयम निर्देश क्रियते सर्वनाम च सामान्यवाची, कि सर्वनाम प्रकृति को लेकर के तत्शब्द को प्रकृति बना करके पाणिनि ने एक ज्ञापन कर दिया। क्या ज्ञापन किया? सर्वनाम च सामान्यवाची, तत्र सामान्य निर्दिष्टे विशेषापि उदाहरणानि भवन्ति, और जहाँ भी सामान्य का निर्देश होता है स्वतः ही विशेष उपस्थित हो जाते हैं, कि सामान्य हमेशा विशेषाधीन हो जाता है, उसके बिना सामान्य का निर्णय नहीं होगा। आपने कहा फूल लाओ, अरे कौन सा फूल? सामान्य कथन करने से अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। अर्थ ज्ञान तो हुआ लेकिन अर्थ ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता है, सम्यक नहीं हो पाता है जब तक विशेष कथन न हो। इसे विशेष कथन पूर्व के सामान्य वास्तविक पूर्ण अर्थ का अवबोधक हो जाता है। तब आप कहेंगे नहीं गुलाब का फूल लाओ, तो आदमी का सम्यक अर्थ हो गया जब गुलाब का फूल ले आता है। तद्वत यहाँ पर भी कहते हैं तत्र सामान्य निर्दिष्टे विशेष अभी उदाहरणानि भवन्ति, विशेष उदाहरण अवश्य होते हैं। उससे पहले प्रदीप इदं चापी थी सिद्धांतवादी कह रहा है इति करणो अत्र अर्थ निर्देशार्थ एव, स्पष्ट हो गया ना? स्वरूप निर्देश के लिए नहीं है इति शब्द, यहाँ अर्थ निर्देश करने के लिए है। क्यों? कहते स्वरूपम इति वचनात् स्वरूप ग्रहण प्राप्त, यहाँ भी शास्त्र में भी स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा के आधार पर स्वरूप ग्रहण प्राप्त था, उसे बांधने के लिए जैसे नवेति विवाचम इति अर्थ ग्रहण के लिए प्रयोग किया, यहाँ पाणिनि इसमें भी इति शब्द अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया है। सर्वनामनायम इति, इसलिए हम अर्थ दोनों लेंगे ना, दोनों अर्थ लेंगे। कौन दोनों? प्रकृति का तत्शब्द का सामान्य अर्थ और प्रत्यय जो स्मिन और समाध अधिक रहा है उसका विशेष, सामान्य विशेष दोनों को ही लेंगे। इसे सूत्रांतर उपात्तस्य तस्मिन्नित्यस्य तस्मिन्नित्यस्य नैतद् अनुकरणम्, क्योंकि यहाँ जो परिभाषा सूत्र में जो तस्मिन् है और परिभाषा सूत्र में जो तस्मात् है, ये क्या है? उन विधि सूत्र में जो तस्मिन् तस्मात् है ना, उसका अनुकरण नहीं समझना। यदि उसका अनुकरण करके परिभाषा करेंगे तो वहीं लगेगा, इको एनची में नहीं आ सकेगा फिर, इसलिए उसका अनुकरण नहीं मानना। ये स्वतंत्र शब्द है, तत्स्य शब्द से स्मिन्न आया, ज्ञा के स्मिन्न हुआ, तत्स्य से गस्य के समाप्त हुआ है, और लेकिन ये जो है अर्थ पर बताने के लिए इति आया, इसलिए सप्तमी के एक वचन या पंचमी के एक वचन का रूप नहीं है, ये प्रथमा का एक वचन। किंतरि सर्वनाम निर्देश इत्यर्थ, क्या यह हुआ है कि सर्वनाम के द्वारा निर्देश हुआ है? तेना यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश पंचम्यर्थ निर्देश तत्र उभयोर उपस्थान विधि, इस अर्थ क्या निकलेगा सूत्र का? जहाँ सप्तम्यंत का निर्देश हुआ है और जहाँ पंचम्यंत का निर्देश हुआ है, जिन जिन विधि सूत्रों में उन उन विधि सूत्रों में परिभाषा उपस्थित हो जाएंगे। शेषापी थी अपी संभावनायाम, अपी जो कहा गया संभावना में, न समुच्चय है, समुच्चय में नहीं है, नहीं विशेष परित्याग या शास्त्रे सामान्यम अस्ति, कहीं विशेष को परित्याग करके केवल सामान्य को शास्त्र में प्रयोग करते ही नहीं है। यद उदाहरण सत्, जिसको लेकर आप उदाहरण बना सकोगे, तस्मात सर्वे विशेषा यह उदाहरण इत्यर्थ, इसे सकल विशेष उदाहरण हो गया और सामान्य से सर्वविशेष भावात, क्योंकि सामान्य जो है सर्व विशेषों में भी रहता ही है, इसे सकल विशेषों को यहाँ दृष्टांत बनाया जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है आपका कहने का सामान्य और विशेष का अर्थ क्या, हमें थोड़ा समझाइए। किम पुनः सामान्यम को विशेष, ये पूछता है प्रदीप। किम पुनः दीदि सामान्य विशेष भाव से अनवस्थान प्रश्न, कि समस्या है सामान्य और विशेष भाव अवस्थित नहीं, निश्चित नहीं हो सकते हैं। जिसको अभी आप सामान्य कह रहे हैं
वही बाद में विशेष हो जाएगा। जिसको अभी विशेष कह रहे हैं वो बाद में सामान्य भी हो सकता है, कोई निश्चय नहीं है। जैसे देख लीजिए, आप कोई शब्द प्रयोग कर लो, राज पुरुषाश्व शब्द प्रयोग कर दिया, राज्य पुरुष राज पुरुष, राज पुरुषस्य अश्व इति राज पुरुषाश्व। अब यहाँ देख लो पुरुष शब्द क्या है, सामान्य है, उसे राजन विशेषण हो गया, विशेषता बता दिया, और आगे जाकर क्या हुआ, अश्व को सामान्य हो गया, उसे विशेषण कौन बनाया, पुरुष को आपने बना दिया। तो पुरुष शब्द इसका मतलब क्या हुआ, राजन दृष्टिकोण से सामान्य है, अश्व दृष्टिकोण से विशेष है या नहीं, इसे सामान्य ही रहेगा कोई चीज़ हमेशा, या कोई चीज़ हमेशा विशेष बना रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक ही वह में अब एक के दृष्टिकोण से सामान्य है, दूसरे के दृष्टिकोण से विशेष हो रहा है, ऐसे स्थिति में हमें निर्णय करना मुश्किल होता है, सामान्य किसे कहा जाए, विशेष किसको कहा जाए, या निर्णय करने में असमर्थ होकर के पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछा, आप बताइए सामान्य किसे कहते, विशेष कैसे निर्णय होगा, इसलिए प्रश्न पूछा गया। कदाचित दृष्टांत समझा रहे पूर्व पक्ष को, कदाचित दूरा गोत्र मात्र ग्रहण पश्चात कृष्णादि विशेष अवगमा, जैसे कभी कभी क्या होता है, दूर से गोत्र ग्रहण कर लिया, बाद में उसमें कालापन ग्रहण किया आपने, मैंने पहले सामान्य ग्रहण किया फिर विशेष ग्रहण हुआ। कभी कभी क्या होता उल्टा, एक बार ऐसे कुछ लोग आए दूर से उधर से देखा, अरे काला काला बड़ा सा देखा, उन्होंने कहा हाथी है कह दिया, मैंने कहा हाथी नहीं वो भैंस है, वहाँ फिर उन्होंने उनके एक बच्चा उनके साथ था, उनके बाद वो तो बच्चे का खेलने हो रहा, उसे लगा कर देखा तो वास्तव में भैंस है, लेकिन पहले उन्होंने विशेष ग्रहण किया ना काला बड़ा सा, बाद में सामान्य ग्रहण हुआ, और कहीं पहले सामान्य ग्रहण होकर के बाद में विशेष ग्रहण होता है। दोनों लोक व्यवहार में देखा, कदाचित पूर्वम कृष्णाधेर ग्रहणम पश्चात गोत्वादे, बाद में गोत्वादि ग्रहण हो जाता है। समाधान भाष्यकार कहते हैं गो हो सामान्यम कृष्णो विशेष, चाहे ग्रहण करने का क्रम उल्टा सीधा जैसा भी होवे, इन हमेशा जो गौ है द्रव्य है वस्तुवाचक है वो हमेशा सामान्य होता है। उस सामान्य का भेदक जो है विशेषण कौन, गुण क्रिया आदि, ये तो विशेषण है ना, ये जो विशेषण होते हैं उनको विशेष कहना है, जो भेदक है सामान्य का, सामान्य भेदक प्रकार यो यो विशेष सब प्रकार, ऐसे लिखा है। प्रकार का पूछा, प्रकार वचने थाल, प्रकार किसको कहते हैं, तो वहां पर कहा सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार, और यही चीज मीमांसकों ने लिया, मीमांसा में भी आता है प्रकार का लक्षण पूछा गया, तो वहां पर भी कहते सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार यथोक्तम भाष्यकारिण, कौन भाष्यकार, पतंजलि भाष्य कुमार भट्ट भी इसको स्वीकार किए वहां पर, और अर्थसंग्रह में भी इसलिए दिया उसको भाष्य वचन करके। इस तरह से यहाँ का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वहीं कहते हैं कि विशेष शिशु होते हैं जो सामान्य को भेद करने वाला, भेदन करने वाला, तो विशेष माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जा सकता है। इसे कहते हैं गौ सामान्यम कृष्टो विशेष इति, गौ सामान्य मिति प्रदीप यद विशेषम प्रधानम तत्सामान्यम भवति, जो विशेष होता है जो प्रधान होता है उसी को हमेशा सामान्य कहा जाएगा। आप जिसको विशेष बनाओ आपकी मर्जी, जो विशेष है जो प्रधान है उसी का नाम सामान्य। यत्तु विशेषणत्वेन परोपकारित्य निर्दिशते, और विशेषण होकर के विशेष को उपकार करने के लिए, माने विशेष का अन्यों से व्यावर्तन करना ही उसका उपकार है। आपने कहा काली गाय, काली गाय कहने से कालापन क्या कर दिया, तो उस गाय को अन्य रंग वाले गौओं से व्यावर्तन कर दिया, यही विशेषण का मुख्य काम है, केवल उस सामान्य को अन्य से व्यावर्तन कर देना। इसे परिच्छेदनाय निर्दिशते सविशेषित तात्पर्य, यह आप उसी पर यहाँ भी ले लो, तस्मित्यनेन सप्तम्यर्थ मात्रम सामान्यम निर्दिष्टम, और कोई अनचित सूत्रों में अच्छी इत्ये हली इत्यादि अस्तु विशेषः। और यहाँ पर क्या है, तस्मिन क्या किया, सप्तमी रूपी सामान्य बोध करा दिए, और विशेष क्या है यहाँ पर, इको एंची में अची, हली लोप में हली, रायो हली में हली, ये जितने भी सप्तम्यंत विधि सूत्रों में वो विशेष हो गया, और परिभाषा सूत्र में जो तस्मात या तस्मिन शब्द आया हुआ है ये सामान्य हो गया। तब पूर्व पक्षी कहता है नात्र इदानीम कृष्ण सामान्य गौर विशेष भवती, फिर तो कृष्ण कभी सामान्य होगा ही नहीं, गौर विशेष न भवती, तब सिद्धांत नहीं भवती,
है ही वैसा। यदि तरी सामान्य पे विशेष विशेषों भी सामान्य सामान्य विशेषों न प्रकल्पित है। यदि सामान्य भी विशेष होने लग जाए विशेष भी सामान्य होने लग जाए फिर तो सामान्य विशेष व्यवहार कभी हो ही नहीं सकेगा इस संसार में। ये विभागीय परिकल्पना नहीं हो सकती है। प्रकल्पित इच्छा इन प्रकल्पना तो की जा रही है खत्म। फिर कैसे प्रकल्पना की जा रही है? सिद्धांत जवाब देता है विवक्षातः। हमेशा सामान्य विशेष भाव विशेषण और विशेष भाव विवक्षा के अधीन वक्ता की इच्छा के अधीन। आप जिसको चाहे उसको विशेषण बना सकते हो जिसको चाहे विशेष बना सकते हो। अब वाक्य प्रयोग करने के ऊपर है। बार बार हम दृष्टांत न्याय वगैरह भी बोलते ना बोलो घटे नहीं भूतले घटाभाव घटाभावद भूतलम। तो भूतल क्या था? पहले विशेषण था सप्तमंत विशेषण। तो भूतले विशेषण था भूतल घटाभाव प्रथमांत विशेष ही उनके मत में तो घटाभाव विशेष था। अब उल्टा कर दो घटाभावद भूतलम घटाभाव वाला वाला कहते क्या घटाभाव विशेषण हो गया अभी और भूतल क्या हो गया भूतल प्रथमा है विशेष हो गया। तो विवक्षा के अधीन है वाक्य प्रयोग कैसा करे विवक्ता उस वक्ता की विवक्षा अधीन होता है कौन सा सामान्य होगा कौन सा विशेष होगा। यदा से गौ सामान्य विवक्षित भवति जब गौ को सामान्य रूप विवक्षित कर दिया है तब क्या होगा कृष्णो विशेषत्वेन तथा गौ सामान्यम कृष्ण विशेष और कृष्ण को मैंने कालापन को विशेषण रूप गुण को विशेषण रूप स्वीकार किया है उस स्थिति में गौ सामान्य हो गया और कालापन विशेष हो गया। और यदि से कृष्ण सामान्य विवक्षित हो और यदि आपने कृष्ण को सामान्य विवक्षा करोगे और गौ विशेषत्व ना और गौ को विशेषत्व विवक्षा करोगे तदा उस स्थिति में कृष्ण सामान्यम गौर विशेष कृष्ण सामान्य हो जाएगा गौ विशेष हो जाता है। दृष्टांतांतर भाष्य अपराह एक और दृष्टांत देने के लिए दूसरे के मत उठाते हुए भास्कर जवाब देते हैं प्रकल्पेते च इसी का ही कथम पिता पुत्रवत्तो अलग दृष्टांत करके पिता पुत्र के समान। पिता पुत्र क्या है सापेक्ष है ना पिता पुत्र शब्द सापेक्ष एक ही व्यक्ति को आप पिता भी बोल सकते हैं पुत्र भी बोल सकते हैं चाचा भी बोल सकते हैं ताऊ भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं उस आदमी को विवक्षा के अधीन है। अब माँ का इससे विचार कर रहे हैं तो पुत्र है उसके बेटे के हिसाब से तो पिता हो जाएगा। तो संबंध जी के आधार पर शब्दों का व्यवहार हो जाता है और संबंध आपकी मर्जी के अधीन है क्या विवक्षा कर रहे हैं जैसा संबंध विवक्षा करो वैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं पिता पुत्र व्यक्तव्यता स एव कंचित प्रति पिता भवति कंचित प्रति पुत्र भवति एवं यहापि स एव कंचित प्रति सामान्यम कंचित प्रति विशेष इति किसी के प्रति वही पिता हो जाता है किसी के प्रति वही पुत्र हो जाता है। तो यहाँ किसी के प्रति वही विशेष हो गया किसी के प्रति वही सामान्य भी हो गया जैसे राजपुरुषाश्व दृष्टान्त मैंने आपको बताया था और वैशेषिक दर्शन सूत्र भी है एते खल्वपि वै निर्देशिका नाम वार्तत्र का भवंती। ये जो निर्देश है निर्देशिका नाम निर्देश के द्वारा बोध करा दिए गए जो जितने भी हैं बोध प्रयोजन का निर्देश द्वारा बोध का ज्ञान का है प्रयोजन जिनका बोध कराना ही है प्रयोजन इनका किनका बोध करा रहे हैं जो विधि सूत्रों में जितनी भी अच्छी आदि सप्तम मिंत है उनका बोध करा रहे हैं वही है प्रयोजन जिनका ऐसे होने से वार्त तरका मने युक्त तरह इति शब्द का प्रयोग करके पाणिनि ने यह सरल युक्ति को इस्तेमाल कर दिया। जितने भी विधि सूत्रों में जो जो सप्तमी है और पंचमियां हैं उन सब को तस्मिनिति तस्माइति इन दो शब्दों में समेट करके बोल दिया। ये सरनामना निर्देशाक्रियंत है जो सरनाम के द्वारा निर्देश किया गया है। वैशेष सूत्र क्या है सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम उन्होंने कहा सामान्यम विशेषमिति बुद्ध्यपेक्षम आपके ज्ञान जो प्रयोग कर रहे वाक्य प्रयोग कर रहे उसके अधीन है। आप जिसको चाहे उसको सामान्य बना लो जिसको चाहे उसको विशेष बना सकते हैं आपके ज्ञानाधीन ही बात है। ये तीर ही बहुत रकम व्याप्यत है किन्हीं के द्वारा सभी के सभी को व्याप्त कर लिया जा सकता है इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रदीप पिता पुत्रवदी थी जन्य जनक शक्ति द्वय योगवद एक जैसे जन्य और जनक शक्ति द्वय योग एक में हो सकता है उसी प्रकार से विशेषण विशेष शक्तित्व योगात कदाचित क्वचित काचित शक्ति आश्रियता है।
प्रत्येक में विशेषण शक्ति भी है, प्रत्येक में विशेष शक्ति भी है। शक्तम पदम दृष्टि सकार है, हर एक पद शक्ति से युक्त है। अर्थावबोधि का शक्ति प्रत्येक पद में है। कैसे अर्थ का अवबोधक? विशेषणार्थ और विशेष्यार्थ, दोनों शक्ति हर एक पद में रहेगा। आपकी मर्जी है कौन सी शक्ति का आप इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते कहीं पर, कदाचित, क्वचित किसी विशेष विषय में, काचित किसी चीज को आप आश्रित शक्ति को आश्रित कर सकते हैं, यानी विशेषण शक्ति को या विशेष शक्ति को आश्रित कर व्यवहार कर सकते हैं। सप्तमी दृष्टि पूर्वस्या इत्येव कस्मान उच्चते है, तो पूर्व पक्षी कहता है इतना दिमाग लगाने की अपेक्षा से पाणिनि को ऐसे बोल देना चाहिए सीधे सीधे सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य, सीधा तस्मिन्निति कहने की क्या जरूरत है। कहते बासी इत्या एते खल्वपी, एते खल्वपी निर्देशिका नाम वार्ता तरका भवंती। निर्देशिका नाम मैंने निर्देश प्रयोजना नाम मध्य वार्ता तरका युक्त तरका इत्यर्था युक्त तरे। भाष्यकार वचन प्रामाण्य तर तरप प्रत्यय, भाष्यकार के वचन प्राण से तरप प्रत्यय कर दिया, वास्तव होना क्या चाहिए था तमप, कि बहुत है ना सप्तम, बहुत सूत्र में बहुत सारे शब्द हैं, एक दो थोड़े हैं, दो ही होता तो तर्प होता है, बहुत है। इन भाष्यकार ने बहुतों के लिए भी तर्प प्रयोग कर दिया है। तमप ही अत्र भाग्यम, वास्तव तमप के द्वारा यह विधान होना चाहिए। ये तेरी थी यदि सत्य निष्ठ इत्युच्चते तथा सप्तमी शब्द ने यो निर्दिष्ट इति प्रतीयत, तब यह ही निकलता सप्तमी शब्द के द्वारा जो निर्दिष्ट है, तब कहा जाएगा सप्तम अधिकरणे च इत्यादि सूत्रों में चला जाएगा। सर्वत्र नहीं लागू होगा तब भी समस्या होगी ना, क्योंकि ऐसे भी तो सूत्र है जिसमें केवल सप्तमी शब्द का प्रयोग हुआ है, सप्तम अधिकरणे च, ठीक है नहीं, अधिकरणे सप्तमी, इस सप्तमी शब्द आए हुए उन्हीं सूत्र में जाएगा परिभाषा। पंचमी भये न अपादाने पंचमी, पंचमी शब्द प्रयोग हुआ है वहाँ चला जाएगा सूत्र, सर्वत्र नहीं आएगा। तब भी इसे तस्मिन कहने पर भी समस्या है कि सप्तमी कहोगे तो भी समस्या है, इसलिए इति शब्द के साथ तस्मिन बोलना ज़्यादा लागव है। आक्षेपकार कहते ये नहीं हो सकता, अति किम उपसर्ग निर्देश क्रियते, यदि करना ही था तो यूँ कह देते तस्मृति दिष्टे पूर्वस्य, निर क्यों कहा, अब निर की महिमा उठा रहे, ठीक है सूत्र तस्मृति कहना तो उचित है, इन निर्दिष्ट में निर क्यों कहा, किमर्थम उपसर्गेण निर्देश। प्रदीप किमर्थम उपसर्ग युक्तस्य धातु और निर्देश क्रियते, उपसर्ग युक्त धातु का निर्देश आप क्यों कर रहे हो, तस्मृति पूर्वस्य यदि कस्मान नोचित, इतने भी कह सकते थे कस्मृति पूर्वस्य, निर्दिष्ट के पूरे को हटाओ। न पुनः दृष्टि त्युच्चता में प्रश्न, दिष्टे इतना ही कहो, ये प्रश्न नहीं है कि केवल से दिशे दानार्थत्वाद यह अनुपयोगाद, केवल दृष्ट धातु का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दान अर्थ हो जाएगा, और वार्थ यहाँ इस वाक्य सूत्र में कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसे निर्दिष्टे जो प्रयोग किया पूरे सूत्र के ऊपर शंका है, पूरे शब्द के ऊपर, केवल निर पर नहीं आशंका, वास्तव में निर्विशिष्ट धातु पर आशंका है। सूत्र कितना बनाओ, तस्मृति पूर्वस्य। समाधान भाष्य वो भी एक देशी बोलेगा, पहले शब्दे सप्तम्या निर्दिष्ट पूर्व से कार्यमता स्यात्, शब्दे सप्तम्या निर्दिष्ट शब्दे पूर्व से कार्य, सप्तम्य के द्वारा निर्देश किया जो शब्द है उससे बोध जो प्रकृति, उस प्रकृति की अपेक्षा से जो पूर्व है उस पूर्व में कार्य हो, यह अर्थ निकालने के लिए कहा गया। अर्थे मा भूत, अर्थ में न हो वे, अर्थ में कहा जैसे सूत्र क्या दृष्टान्त है, जनपदे लुप, सप्त में नहीं हमारे जनपदे लुप्पो अतिशायने तमभिष्ठनौ, इन सूत्रों में नहीं तो प्रवृत्त होगा कि सप्त में नहीं पर जनपद अर्थपर अंतरेण आप निर्दिष्ट ग्रहण बिना निर्दिष्ट शब्द को लिए हुए तस्ते पूर्व सीति निर्दिष्टत्व, ऐसा सूत्र निर्देश करते पाणिनी लब्ध है पुनर्निष्ट शब्द उपाधि मानव बहिर्भाव गमयति, निर्दिष्ट अर्थ को जो प्रयोग किया पाणिनि ने उसे ज्ञापन होता है बहिर्भाव का, इसलिए एक देशी बोल रहा है मुख्य सिद्धांत में बहिर्भाव नहीं है, या निर्दिष्ट का अर्थ उससे बाहर, उससे बहिर्भाव से भिन्न अर्थ लेने के लिए इष्ट नहीं है, मुख्य सिद्धांत आगे जवाब दे रहे इसलिए। आनंतर्य यह निर्दिष्ट शब्द का अर्थ क्या है, आनंतर्य अव्यवहित अर्थ लेना इष्ट है, और पूर्व पक्ष क्या अर्थ लेना चाह रहा है, एक देशी बहिर्भाव, हम भिन्नत्व नहीं लेना चाहते,
आनंद रस लेना चाहते हैं, उसके लिए शास्त्र अवतारण हुआ है। पुनर्शब्द उपाधिय मानो बहिर्भाव गमयति, शब्दाच बहिर्भूत शब्द एव भवति इति। और शब्द प्रकरण है ये शास्त्र, क्या है शब्द शास्त्र है। इसे बहिर्भाव किसका, बहिर्भाव बाहर किसका होना, एक शब्द की अपेक्षा से दूसरा शब्द, माने भिन्न शब्द होने का नाम ही बहिर्भाव होगा, ये अर्थ लेना पड़ेगा। शब्दाच बहिर्भूत शब्द एव भवति, शब्द का बहिर्भाव क्या होगा, शब्द ही हो सकता है व्याकरण में तो। इसे जनपदे थी तत्र अयमर्थस्यात्, फिर जनपदे रूप शब्द सूत्र का अर्थ क्या होगा, अर्थ यह होगा जनपद वाचिनी शब्दे परता चातुरर्थिकस्य लुप भवती थी, जनपद वाची जो शब्द है उससे पर में आया हुआ जो परता चातुरर्थिकस्य, चातुर जो प्रत्यय उसका लुप हो, यह अर्थ करना पड़ेगा। आक्षेपकार कहते हैं किं गतम एतद् उपसर्गेण, कि ऐसा जो आप अर्थ दिखा रहे हो बहिर्भाव का, क्या ये उपसर्ग के द्वारा गतार्थ हो रहा है, किम गते ना उपसर्ग है ना, उपसर्ग के द्वारा क्या अर्थ का प्रतीति हो रही जो आप बोल रहे हो, अहोस्वित शब्द अधिक्या अर्थाधिक्यम, अथवा एक पद अधिक प्रयोग कर दिया पाणिनि ने इसलिए अर्थ कल्पना कर रहे हो, शब्दाधिक्य अर्थाधिक्यम नियम न्याय है। ये पूर्व पक्ष ने जब पूछा तो एक देशी समाधान कर रहा है, मुख्य सिद्धांत नहीं आया, एक देशी कहते गतमित्या नहीं अर्थगत है, अवगत हो रहा है अर्थ यहाँ। पूर्व पक्षी पूछता है कथम कैसे अवगत हो रहा है, तो सिद्धांति कहता है, एक देशी कहता है यहाँ पर सिद्धांति निर्यम बहिर्भाव वर्तते, कि निर्य जो उपसर्ग है ना हमेशा बहिर्भाव के लिए प्रयोग होता है। जैसे दृष्टांत समझार पूर्व पक्षी स्वयं तथा निष्क्रांतो देशात इति निर्देश बहिर्देशित गम्यते, निष्क्रांतो कौशम्ब्या निष्कोशां भी शब्द बनते हैं ना, कौशांग जिसे बाहर बहिष्कार कर दिया, बाहर फेंक दिया उसको, इसे निर हमेशा बाहर अर्थ में ही होता है, भिन्न अपने सीमा से अलग कर देना अर्थ में ही होता है। शब्दश्च शब्दात बहिर्भूत क्यों बहिर्देशित गम्यते, या और शब्द क्या, या शब्द शास्त्र में क्या होगा, शब्द से बहिर्भूत क्या हो सकता है, शब्द ही होगा अर्था अबहिर्भूत, अर्थ क्या होगा फिर अबहिर्भूत है, अर्थ तो शब्द में छिपा हुआ है, शब्द से शब्द ही बहिर्भूत होता है और शब्द से अर्थ अबहिर्भूत होता है, इसलिए अर्थ पर मत लो ये कहता है एक देशी। आक्षेप भाष्य अतः निष्करणम किमर्थम, यदि अर्थ पर नहीं लेना है शब्द पर ही लेना है फिर तो निष्करण करने का क्या प्रयोजन होगा, क्या लाभ होगा। प्रदीपा नानो प्रयोजन से उक्तत्वात् पुनः प्रश्नोत्पत्ति, अरे प्रयोजन का सूत्र का पूर्व वर्णन कर चुके कोई नीचे इत्यादि, फिर क्यों पूछ रहा है ये बात। कथा यम भाव जनपद लुप इत्यत्र अर्थेन पौर्वापरि असंभवात्, के जनपद लुप इत्यादि सूत्रों में अर्थ को लेकर के पौर्वापरि घटा ही नहीं सकते, जनपद य उत्पन्न प्रत्यय तस्लु प्रभवति, योग जनपद अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय उसका लुप होता है, ऐसा आप करोगे तो रूप बनेंगे ही नहीं, तथा अतिशायनी अर्थ वर्तमान तमवाद, ऐसा अर्थ पर कम नहीं ले सकते। यदि अर्थ निर्देश शो उपस्थान न भविष्य, जहाँ अर्थ निर्देश होगा वहाँ परिभाषा उपस्थित नहीं हो पाएगा। यदि चैतत प्रयोजन तथा तस्त शब्दे पूर्व सीधे वक्तव्य, यदि तुम्हारे काम सा प्रयोजन लेके चलते हैं फिर तो सूत्र क्या बनाना चाहिए पाणिनि को, तस्मृति निर्दिष्ट नहीं तस्मृति शब्दे पूर्व से सूत्र बनाना चाहिए था, शब्दे परे ऐसा करना चाहिए। निर्दिष्ट क्यों का, क्योंकि नियम फला परिभाषा, कि जो भी परिभाषा होता है वो कुछ नियम करने के लिए होता है, अगर नियम नहीं कर रहे हैं तो परिभाषा व्यर्थ है वो, तो कहते निर्दिष्ट का अब मुख्य आ गया मुख्य सिद्धांत, निर्दिष्ट ग्रहण आनंद यार्थम, निर्दिष्ट जो ग्रहण किया है बहिर्भाव के लिए नहीं किंतु आनंतरी अर्थ में होता है। निर्दिष्ट ग्रहणम क्रियते, निर्दिष्ट ग्रहणम क्रियते किस लिए कर रहे हैं भाई, कहते आनंतरी मात्रे कार्यम यथा स्यात् अव्यवहित में ही कार्य होवे इसलिए ग्रहण किया गया, जैसे इको एणची में दधियत्र मध्वत्र यमाभोद समिधौ समिधः दृषदौ दृषदः, या अतिव्याप्ति न होवे
किन स्थलों में क्या है? समिधाओं में। समिध है ना शब्द, ई और औ के बीच में क्या है? धा व्यवधान है, अव्यवहित नहीं है। ई और औ के बीच में धा व्यवधान है, अव्यवहित कहने से यह समिधाओं की कारगण नहीं हुआ और गद्यत्र में हो गया। और पूर्व से दृष्टांत कहां देंगे? वो लेना जो लघु में प्रसिद्ध है, दधि नहीं सुधि उपास्य, दोनों एक है ना। सुधि में भी एक है, उपास्य वो भी एक है, दोनों एक में से किसी को करूं? ताकि अवैध पूर्वस्य, पूर्व को ही होगा, पर को नहीं होगा, सुधि के इकार को यण होगा, ऊ को यण नहीं होगा। प्रदीपा निर्दिष्ट ग्रहण मिधि पूर्वोक्त प्रयोजनाभावादित भाव, पूर्वोक्त प्रयोजन हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए आनंद निःशब्द निरंतर अर्थ वर्तते। निःशब्द हमेशा बहिर्भाव अर्थ में ही नहीं है, नैरंतर में प्रयोग होता हुआ देखा गया। और दिशी शब्द यहाँ दान अर्थ में नहीं है, जो पूर्व पक्ष ने कहा था ना, दिश धातु का अर्थ क्या हो जाएगा? दान। कहते दान अर्थ में नहीं है। दिश धातु का अर्थ क्या लिया था पाने भाष्यकार ने? अदर्शन लोपन में समझाया था ना, दर्शनम मानो उच्चारणम। दिश धातु के यहाँ पर दान में नहीं है, कहते दिशिश्च उच्चारण क्रिया, अर्थात निरंतर उच्चारण करना, अव्यवहित उच्चारण करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। तेना निरंतर उच्चारित कार्य इति लभ्यते। समिधाविति ननो संहिता उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है अव्यवहित कहने के लिए आनंतरी के लिए निर्दिष्ट या कहने की जरूरत नहीं है हमको। क्यों जरूरत नहीं है? संहितायाम का अधिकार है, संहितायाम का अधिकार में है ना इको इत्यादि सूत्र। और संहितायाम का मतलब है क्या है? संहिता किसको कहते हैं? परासन्निकर्ष संहिता, परासन्निकर्ष संहिता, अतिशयन सन्निधि संहिता संजस्यात्। अतिशयन सन्निधि क्या बोली आपने वहां पर भी? अर्ध मात्र काल अधिक मात्र काल व्यवधान अभाव अतिशयन सन्निधि का है। संहिता के द्वारा ही अव्यवहित अर्थ निकल गया, तो जरूरत के यहाँ पर निर्दिष्ट कहने का ये पूर्व पक्षी आशंका। न च व्यवहित यह संहिता अस्ति, कि व्यवहित में कहीं संहिता हम व्याकरण में मानते नहीं। अची थी च अधिकरणम औपश्लेषकम निर्दिष्टम, और अची इत्यादि स्थलों में जरूरत नहीं। अची जो निर्देश किया है वहां पर क्या है? अधिकरणम जो है औपश्लेषक अधिकरण समझना, कि तीन प्रकार का होता है ना, वैषयिक अभिव्यापक और औपश्लेषक। इसमें से वैषयिक भी नहीं हो सकता अच्छी में, अभिव्यापक भी नहीं हो सकता है अच्छी में, किंतु आपको औपश्लेषक ही लेना पड़ेगा। न च व्यवहिते उपश्लिष्टो भवति, और व्यवधान में उपश्लेष नहीं कहा जा सकता। उपश्लेषक अर्थ क्या? अत्यंत सामीप्येन संबंध, उपमने सामीप्य, श्लेष मने संबंध, उपश्लेष मने अत्यंत सामीप्य संबंध, मैंने अव्यवहित संबंध निकलेगा। तो अनेक प्रकार से विचार करके देखें, संहिता में अधिकार के वजह से और अच्छी में जो सप्तमी है सप्तमी के वजह से भी अव्यवहित अर्थ निकल रहा है। इसे अव्यवहित अर्थ निकालने के लिए निर्दिष्ट ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। न च व्यवहित उपशिष्ट भवति, तब सिद्धांत जगत नहीं से दोष है। वर्णानाम परासन्निकर्ष संहिता सा च अत्र अस्ति, वर्णों में क्या होता है? परासन्निकर्ष संहिता के अनुसार यहाँ पर विद्यमान है। अचीति सति सप्तमी विचायत, अच्छी में सत्य शब्द में लिया गया है। व्यवहित भी पूर्व शब्द वर्तते, व्यवहित में भी पूर्व शब्द का व्यवहार होता है। इति यत्र विषय यथाभूत इक संभवती अनंतर व्यवहित व तत्र तथाभूत से वर्ण आदेश स्यात्। इसलिए जिस विषय में जहाँ जैसा संभव है, चाहे अव्यवहित है चाहे व्यवहित है, सभी को यण प्राप्त था। जैसे आज नी दृश्य में व्यवहित में प्राप्त है, संविधा में भी व्यवहित में प्राप्त था, और ऊपर दृष्टांत नदीयत्र में अव्यवहित में व्यवहित अवैध दोनों जगह प्राप्त हो रहा था। तो अव्यवहित में ही हो व्यवहित में न हो उसके लिए परिभाषा बनाना जरूरी है। यनादेश सूत्र से नियमार्थत्व, इसलिए कहते सूत्र नियम करने के लिए। किमर्थम प्रणित उचित है? किम नियमार्थम अतः षष्ठी प्रगल्प्त्यर्थम इति प्रश्न, नियम के लिए कर रहे हो या षष्ठी की सिद्धि के लिए कह रहे हो? तो सिद्धांत कहेगा नियम करने के लिए हम कह रहे हैं।